वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बीम्स एंड ड्रीम सीरीज। आप लोगों को पता है मैंने बीम्स एंड ड्रीम सीरीज काफी टाइम पहले शुरू की थी और इस सीरीज में मैंने अपने पूरे घर का बारी बारी से, कभी डाइनिंग एरिया, कभी कोई बेडरूम, इस तरीके से सारे जगहों का मेकओवर करना शुरू किया था। बट इस एपिसोड में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। इस एपिसोड में मैं अपने घर का मेकओवर नहीं कर रही हूँ, मैं कंचन के रूम का मेकओवर कर रही हूँ। नाउ कंचन कौन है वो किसी और व्लॉग में आपको पता चल गया होगा, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो तो यू नो हु इज कंचन। नाउ सो कंचन हैड दिस रूम, एक्स्ट्रा रूम जो कि वेस्ट पड़ा था। शी वाज ओनली यूजिंग दिस रूम एज अ वॉक इन वार्डरोब, और वॉक इन वार्डरोब भी एक्चुअली शी वाज नॉट रियली रेगुलरली यूजिंग दीज क्लोथ्स। शी इज अ बिग होर्डर, शी डजंट थ्रो अवे क्लोथ्स, शी कलेक्ट्स क्लोथ्स। तो ये बेसिकली वो सारे कपड़े हैं जो बहुत ही कम इस्तेमाल में आते हैं, बट शी जस्ट डजंट थ्रो देम अवे। So she was actually using this room for storing all those clothes. Now she also wanted this room to be converted into a guest bedroom so that ye room ek to storage ke liye istemal aa sake, aur sath hi sath agar kabhi guest ghar mein aaye to guest isko sone ke liye istemal kar sake. So she wanted me to convert this waste room into a guest bedroom. So sabse pehle main shuruaat karti hu aapko room dikhane se ki how the room looked like before the makeover. ऑल राइट, सो रूम में एंटर होते ही रूम दिखाई देता है कुछ इस तरह। बहुत सामान है, चारों तरफ सामान भरा हुआ है। सो ये रूम बेसिकली यूज़ किया जाता है एज अ वॉक इन वार्डरोब कह सकते हैं। एक पूरी ये जो आप साइड देख रहे हो सारी की सारी कंचन के कपड़ों से भरी हुई है, और दूसरी साइड पे कर्टन है और वहाँ पे भी कुछ कपड़े लटक रहे हैं। तीसरी साइड पे ये काफ़ी सारी अलमारियाँ हैं, और अगेन साथ में काफ़ी सारा सामान है और अलमारियाँ भी सामान से भरी हुई हैं। और इसकी जो लास्ट साइड है जहाँ से एक्चुअली हम रूम में एंटर हुए थे वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। एक तरफ पे एंट्रेंस है, एक तरफ दरवाज़ा है बाथरूम का, और साथ में लगा हुआ है एक शीशा का सेटअप, मिरर का सेटअप। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक पूरा का पूरा। नाउ सबसे पहला चैलेंज जो इस रूम में था वो था कि क्या किया जाए कि ये रूम का सारा सामान भी ना हटाना पड़े, ये फिर भी ऐसे ही यूज़ हो सके जैसे अब तक होता आ रहा था, लेकिन कैसे सारे कपड़े ना दिखे। तो यहाँ पे मैंने जो किया है वो है कर्टन्स नहीं लगाए मैंने यहाँ पे, बिकॉज कर्टन्स, अगर इतने सारे कर्टन्स पूरे रूम में होते तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लुक हो जाती रूम की। तो इसलिए यहाँ पे इस बार मैंने यूज़ किए ये ब्लाइंड्स, और ये रोल ऑन ब्लाइंड्स हैं इस तरीके से, ऊपर नीचे आप जब मर्जी कर सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग लाइक थिंग। इस तरह के ब्लाइंड्स को यूज़ करने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये इल्यूजन दे रहा था एक तरीके से वॉल की। जब आप पूरा रूम देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वॉल्स हैं। ये सेम रिजल्ट ना कर्टन से कभी नहीं मिलता, सो दैट्स वाई आई चोज टू गो विद द ब्लाइंड्स। तरीके से तीन ब्लाइंड लगा के ये पूरी वॉल कवर हो गई। अब एक और जगह अगर आपको याद है जो कि है दूसरी दीवार पे जो कि ओपन थी, तो यहाँ पे भी मैंने ब्लाइंड का काम करवा दिया है। नाउ वॉट एवर स्टफ वॉज देयर इन द रूम इट्स स्टिल देयर बट इट इज कवर्ड। नाउ यहाँ के लिए जो एक और वॉल थी जिसपे फुल साइज की विंडोज़ हैं वहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं ये बेज कलर के कर्टन्स, बहुत ही लाइट कलर के कर्टन्स हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं ये। सो ये पूरा मैंने कर्टन से कवर कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू दिस एरिया जहाँ पे ये मिरर वाला सेटअप था, मिरर फुल लेंथ मिरर है और उसके आगे ये बेंच जैसी पड़ी हुई है जिसको पहले मैंने सबसे पहले सोचा कि इसको तो पहले तो पेंट किया जाए। तो सबसे पहले मैं ये अखबारें वगैरह लगा के थोड़ा सा सेटअप कर रही हूँ सो दैट पेंट जो है वो कम से कम गिरे ज़मीन पे। बट पेंट करने से पहले मैं ये यूज़ कर रही हूँ सैंड पेपर, जिससे हम एक बार थोड़ा सा सारा का सारा जो स्टूल है उस पर इस सैंड पेपर को चला देंगे सो दैट इसके ऊपर जो थोड़ा शाइन वाली जो पॉलिश एक होती है, कोटिंग होती है, वो हट जाए, तो उस पर और अच्छे से पेंट हो पाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। वाइट कलर में मैंने ये ऑयल पेंट मंगवाया है जो वुड के ऊपर किया जाता है। मैं एग्जैक्ट इसका नंबर वगैरह सब नीचे लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रोलर हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी मदद से हम पेंट करेंगे, और ये है टर्पेंट ऑयल। इस पेंट को थोड़ा सा थिन करने के लिए, क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है तो उसको थोड़ा सा थिन करने के लिए ये टर्पेंट ऑयल है जो मैंने इस पेंट में मिक्स किया है थोड़ा सा। ये तकरीबन आप कह सकते हो 90-10 का रेशियो मैंने रखा है, 90% पेंट और 10% टर्पेंट ऑयल। और इस तरीके से मैं रोलर की मदद से जो है इस बेंच को पेंट कर रही हूँ।
अब जो आपको साइड्स दिख रही हैं, अंदर वाली बाहर वाली, ये जो भी साइड्स हैं, उसके लिए मैंने एक थिन सा ब्रश मंगवा लिया था, तो उसकी मदद से मैं अंदर वाली साइड्स जो हैं वो पेंट करूँगी। नाउ आफ्टर दिस, जैसे ही पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई, साथ ही साथ आ गया हमारा बेड भी डिलीवर हो गया आइकिया से। ये एक्चुअली मैंने बिल्कुल नहीं किया है, द होल क्रेडिट ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस बेड गोज टू मनीष एंड मानविका, सो दे डिड दैट थिंग। सो जब तक बेंच सूख रही थी तब तक बेड का काम चल रहा था साथ साथ। बेड खुद से इंस्टॉल करने में काफ़ी घंटे लगे हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, द बेड लुक्स लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज़ जो मिरर मैंने आपको दिखाया था, उसकी ये जो बिडिंग है ना, ये इसे साइड में जो वुडन कलर दिख रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ खास नहीं लग रहा था, तो मैंने जो सेम जो कलर मैंने बेंच पे किया था वही कलर से मैंने इसकी बिडिंग को भी पेंट किया है, सो दैट सारा वाइट हो जाए एंड देन वी कैन स्टाइल दिस कॉर्नर यू नो विथ कलर्स। सो या इसको बिडिंग को मैंने सारा पेंट कर दिया एंड नाउ दिस इज हाउ it looks. Now next up I'm moving on to the second coat of the bench. इसके लिए actually मैंने जगह change कर लिया because अंदर bed लग चुका है अगर आपको याद है तो I brought the bench outside and वहाँ पर मैंने इसका double coat किया and again second coat करने के बाद इसको फिर बहुत enough time के लिए मैंने सूखने दिया, like पूरा दिन ये सूखता रहा। Now this is the day number 3 of the makeover. गद्दा भी डिलीवर हो चुका है, ये भी IKEA से मंगवाया है। जिस जिस चीज़ के भी लिंक्स मुझे मिल जाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गद्दा डिलीवर हुआ और अब इसको कुछ लोगों की मदद से, बहुत हैवी गद्दा है तो कुछ लोगों की मदद से इसको हम प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद बेडशीट्स को लेके मेरा फेवरेट कलर, आपने काफ़ी बार देखा होगा मुझे वाइट कलर की बेडशीट्स बहुत पसंद है, मैंने अपने बेडरूम में भी वाइट बेडशीट इस्तेमाल की थी मेकओवर के लिए। सो ये वाइट बेडशीट मैंने खरीदी है एट होम से और इसको मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ, साथ ही इसके जो पिलो कवर्स थे वो भी वाइट हैं, सो इट्स ऑल वाइट। एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रे कलर का एक थ्रो जो मैंने आइकिया से लिया है वो डाला है इस तरीके से। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग टील एंड वाइट कलर का एक कारपेट, एक रग जो मैंने प्लेस किया है बेड के बिल्कुल नीचे, मतलब बेड के एकदम से साथ में। और जो मैंने बेंच पेंट की थी वो मैं वापस से सेम उसकी जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पे नहीं रखने वाली हूँ, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ बेड के आगे। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में, आप पिंटरेस्ट भी देखोगे तो बेड के साथ यूजुअली एक ऐसी बेंच की या किसी एक काउच की ऐसे स्टाइलिंग की हुई होती है, तो दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। नाउ जो मिरर वाला जो एरिया है जहाँ पे एक्चुअली ओरिजिनली बेंच हुआ करती थी, वहां से अब ऑब्वियसली जगह खाली हो चुकी है, तो वहां पे मैंने ये अगेन टील कलर का पहले छोटा सा रग एक राउंड बिछाया और उसके ऊपर ये बास्केट डाली है एंड देन ये प्लांट भी आइकिया का है और इसको मैंने उस बास्केट के अंदर प्लेस किया है। नेक्स्ट टू दैट कंचन हैड दिस स्मॉल स्टूल जो कि काफी बुरी हालत में है, तो इसके लिए आइकिया से एक एक गद्दी टाइप की चीज है, मतलब एक कवर टाइप का, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, इस तरीके का दिखता है, तो ये ऊपर मैं प्लेस कर रही हूँ, तो स्टूल जो गंदा है उसको पेंट भी नहीं करना पड़ा लेकिन जो दाग थे वो सब कवर हो गए। नाउ आई एम स्टाइलिंग सम बुक्स, मतलब थोड़ा सा बुक्स रख रही हूँ मैं जस्ट टू ऐड सम मोर कलर। इसके ऊपर मैं अब थोड़ा सा सब कुछ ग्रीन और टील और डार्क कलर हो गया था, तो इसलिए मैं ये येलो कलर का लैम्प है, ये भी एट होम का लैम्प है, इसको प्लेस कर रही हूँ। जलाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था, अभी आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। एंड अब येलो कलर के ही साथ में मैचिंग में कुशन्स लेके आई, ये बेड के लिए नहीं है, ये भी इसके ऊपर ही हैं। एंड इट्स लाइक इस घर में ना मैं कुछ भी करना चाह रही हूँ ना मैं कर पा रही हूँ, अगर यही कुशन सोचो मैंने अपने घर में रखे होते ना तो मिट्टी ने बुरा हाल कर दिया होता। एनीवे बेड के कॉर्नर के लिए एक और आइकिया का ही लैम्प है जो मैंने अगेन सेम स्टूल रख के उसके ऊपर प्लेस किया है। अच्छा एक लास्ट चीज़ मैंने और करी है, जो बेंच था ना जिसको मैंने पेंट किया था ये वाला, ये काफ़ी खाली लग रही थी तो मुझे लगा इसके ऊपर कुछ तो रखना चाहिए, तो घर से ही ऐसे पड़ी हुई ना बास्केट से मिल गई, छोटी सी ऐसी बास्केट सी, उसके अंदर मैं आइकिया से ये टॉवल लेके आई थी, तो वो टॉवल को मैंने रैप करके रख दिया, बेसिकली गेस्ट आएंगे तो इसमें से टॉवल वो यूज़ कर सकते हैं फ्रेश होने के लिए, थोड़ा बहुत हैंड टॉवल। और ये पेबल्स हैं जो ऑलरेडी घर में पड़े थे तो वो मैंने साथ में रख दिए हैं जस्ट टू थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो या नाउ वी डन गाइज, आई एम गोना शो यू द फाइनल रिजल्ट।
पहचान लिया है मैं कहाँ पे बैठी हूँ। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस मेकओवर, आई होप यू गाइस लाइक इट। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट लगा, क्या चीज अच्छी लगी। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।